दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं Asus ZenFone 7 के बारे में, जो कि Asus के अपकमिंग स्मार्टफोन को लेके पिछले दिनों से लीक सामने आ रहे हैं और चर्चा है कि कंपनी Asus ZenFone 7 को मार्केट में लॉन्च करने वाली है। वहीं इन सभी चर्चाओं के बीच ये स्मार्टफोन बेंचमार्किंग साइट Geekbench पे स्पॉट किया गया है, जहाँ पे दी गई जानकारी के अनुसार इसमें यूजर्स को 16 GB की रैम की सुविधा मिलेगी और ये स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट के साथ पेश किया जाएगा। इसके साथ ही ये स्मार्टफोन पिछले साल लॉन्च किए गए Asus 6Z का अपग्रेड वर्जन बताया गया है। हालांकि कंपनी ने अभी तक अपने अपकमिंग स्मार्टफोन को लेकर कोई ऑफिशियली घोषणा नहीं की है। दोस्तों Geekbench पे लिस्टिंग के अनुसार Asus ZenFone 7 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट के साथ पेश किया जाएगा। साथ ही ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 OS पे आधारित होगा। वहीं बेंचमार्किंग साइट पे इस फोन को Asus ZF कोड नेम के साथ लिस्ट किया गया है, तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी इसे मार्केट में ZenFone 7 या फिर 7Z नाम से लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा ये स्मार्टफोन की मेन फीचर्स इसकी रैम होगी, क्योंकि जहां मार्केट में 8GB और 12GB रैम वाले स्मार्टफोन चर्चा में हैं, वहीं Asus इसमें 16GB रैम का उपयोग करने वाली है। साथ ही ये भी बता दें कि Geekbench पे Asus ZenFone 7 की लिस्टिंग से हुई जुड़ी जानकारी एक टिप्स्टर ने ट्वीट करके ये जानकारी शेयर की है। हालांकि लिस्टिंग में Asus ZenFone 7 में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का नाम नहीं दिया गया है, बल्कि इसमें प्रोसेसर के साथ कोडनेम यानी कि कोना लिखा हुआ है, जो कि स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट का कोड नेम है। तो ऐसे में ये स्पष्ट होता है कि ये स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट के साथ लॉन्च किया जाएगा। साथ ही लिस्टिंग में Asus ZenFone 7 में 973 सिंगल कोर और 3346 मल्टी कोर स्कोर प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही अगर लीक्स की माने तो ये स्मार्टफोन 30,000 से 35,000 रुपए के प्राइस में देखने को मिल जाएंगे। वहीं लॉन्च की बात करें जो कि ये स्मार्टफोन अगस्त तक लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि उम्मीद है कि कंपनी जल्द ही इस फोन की लॉन्च डेट या फिर अन्य फीचर्स की जानकारी शेयर कर सकती है। तो ऐसे में हम आगे भी इसी टॉपिक पे वीडियो बनाते रहेंगे। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।